तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी के बारे में। आपने देखा होगा आजकल जो सबसे ज्यादा एसी चलने वाली है वो है हमारी इन्वर्टर एसी। और इन्वर्टर एसी में जो हमारा कंप्रेसर होता है दोस्तों, वो डीसी होता है, और नॉर्मल जो एसी होती है यानी कि एसी होती है उसमें एसी कंप्रेसर होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो इन्वर्टर एसी होती है उसमें तो पीसीबी होती है, यानी कि इंडोर में सब में पीसीबी आती है, बाकी इन्वर्टर एसी में हमारी आउटडोर में भी पीसीबी आती है, ठीक है। अब हम कंफ्यूज ये इसलिए हो जाते हैं, अगर हमारी इस एसी में प्रॉब्लम आ जाती है, आखिरकार हम इस वाली एसी पीसीबी को खोलें इंडोर वाली को या फिर आउटडोर वाली पीसीबी को चेक कैसे करें, मतलब देखें। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, लास्ट तक देखने के बाद जो ना आप लोग ये कंफ्यूज एकदम दूर हो जाएगी आपकी कंफ्यूजन कि हमारा जो इन्वर्टर ये हमारा जो इंडोर है इसकी पीसीबी खराब है या फिर हमारे आउटडोर की पीसीबी खराब है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में ये सारी चीजें शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, हमारा जो इंडोर होता है यहाँ से न्यूट्रल और फेज वाला जो प्लग होता है यानी कि एसी को डायरेक्टली आप लोगों को चला देना है। क्या करना है आप लोगों को, एसी को चला देना है, ठीक। एसी चलने के बाद जैसे ही हमारा इंडोर स्टार्ट होगा, इंडोर स्टार्ट होने के 3 मिनट बाद हमारा ये वाला कंप्रेसर स्टार्ट होता है, यानी कि नॉर्मल में भी और इन्वर्टर एसी में भी, ठीक है। 3 मिनट आप लोगों को इंतजार करना है, उसके बाद क्या काम करना है, हमारा जैसे ही इंडोर स्टार्ट हो जाता है, ठीक। जैसे ही क्या होता है हमारा इंडोर स्टार्ट हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल एसी में हमारे जो होते हैं ये तार यानी कि 3 तार होते हैं, और इन्वर्टर एसी में हमारे 4x4 का केबल दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 4 तार होते हैं। चारों तारों का काम अलग अलग होता है, बाकी आप लोगों को चारों तारों को चेक नहीं करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को अब करना क्या है। इन्वर्टर हमारी एसी हो चुकी है चालू, ठीक। अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए अब आप लोगों को लेना है ये क्लाइमेटर, आप देख सकते हैं ये हमारे पास है क्लाइमेटर, जो कि नॉर्मली क्लाइमेटर आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, ठीक। अब आप लोगों को डीसी वोल्टेज पे ये जो वोल्टेज देख रहे हैं डीसी वोल्टेज पे यहाँ पर सेट कर लेना। सेट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ हमारा 4x4 केबल होता है, ठीक है। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक तो उसमें ऊपर वाला होता है न्यूट्रल यानी कि अर्थ वाला जो होता है, एक तो होता है क्या अर्थ का यानी कि ई सा जो है अर्थ का होता है, ये आप लोगों को ग्रीन मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि अलग अलग होते हैं। बाकी आप लोगों को इसमें छल्ले पड़े हुए होते हैं वहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जहां पर कनेक्शन होते हैं। तो आप लोगों को सबसे नीचे वाले जो तार देख रहे हैं एन और एस यानी कि न्यूट्रल और मैन, यानी कि एक होता है न्यूट्रल और एक होता है मैन, इसको कॉमन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैन 2 तार आप लोगों को ये लेने हैं। अब आप लोगों को चेक करना है कि हमारी जो इन्वर्टर एसी के वोल्टेज है ये हमारा डीसी वोल्टेज पर चेक करना है, ठीक है, आप लोगों को एसी पर नहीं करना, ठीक। अब आप लोगों को ये जो 2 तार है नीचे वाले एन और एस इन दोनों पे जो वोल्टेज आप लोगों को डायरेक्टली चेक करने, क्या करने, इन दोनों पे वोल्टेज चेक करने, वोल्टेज आप लोगों को डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, जैसे ही एसी के वोल्टेज चेक करते हैं वैसे आप लोगों को डीसी चेक करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर कॉमन एक चीज देखनी है, इनके जो वोल्टेज है वो इस प्रकार से चलते हैं यानी अप डाउन होते हैं, किस प्रकार से, जिस प्रकार से आदमी की सांस चलती है इसी प्रकार से हमारे जो वोल्टेज होते हैं इनके अप डाउन होते हैं, अगर हमारी दोनों पीसीबी ठीक है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज हमारे 15 से 25 तक यानी 30 तक पहुंच रहे हैं, यानी कभी 25 हो रहा है, कभी 30 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, अगर इस प्रकार से अप डाउन हो रहे हैं तो हमारी दोनों पीसीबी ठीक है। मान लीजिए हमारे जो इन दोनों में वोल्टेज है वो इस प्रकार से एक साइड स्तर है, मान लीजिए कि हमारे क्या है स्तर है यानी कि 15 है, या तो 15 ही चल रहे हैं या फिर 25 ही चल रहे हैं या फिर 30 ही चल रहे हैं, यानी कि स्तर चल रहा है, तो हमारी कौन सी पीसीबी खराब है, हमारी ये जो पीसीबी है ये वाली पीसीबी खराब है, ठीक है। आप लोग इस पीसीबी को लेकर जाओ। अब दूसरा फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है, ये फार्मूला आपने जान लिया। अब आप लोग करेंगे कि हमारी ये वाली एसी यानी इंडोर चल रहा है और आउटडोर नहीं चल रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे ये वाली यहाँ पर क्या करेंगे वोल्टेज यहाँ पर चेक करेंगे, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये वाली वहां से क्या कर रहा है निकाल रहा है, अगर यहाँ से लाइट आप लोग यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ करेंगे वोल्टेज चेक, इंडोर से यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहे तो हमारी इंडोर की पीसीबी यानी ये वाली पीसीबी खराब है, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से करंट यानी कि यहाँ से करंट पास होकर यहाँ पर भी आ रहा है, क्या है यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर दोनों तारों पर करंट आ रहा है और ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो आप लोग अंदाजा लगा दो कि हमारी जो इस वाली पीसीबी है यहाँ पर जो कंप्रेसर में पीसीबी होती है यहाँ पर आउटडोर में वो वाली पीसीबी हमारी क्या है खराब है, ठीक। यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स मतलब आती रहती हैं और काफी सारे वीडियो भी मैं आप लोगों को बनाते रहता हूँ, ठीक। अब 2-3 प्रकार से आपने देख लिया कि यहाँ पर 2-3 प्रकार से फार्मूले जो है मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक। अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और आगे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
और नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों को इंतजार रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।